एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल मैंने आप लोगों के साथ दो ब्यूटीफुल न्यू एकदम क्विक पोनीटेल हेयर स्टाइल बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि आईब्रो को फिल करने का सही तरीका क्या है और कि कौन कौन से कलर आपको आईब्रो पे अप्लाई करने से नेचुरल लुक आता है। तो चलिए, आज का जो हेयर स्टाइल है वो बन हेयर स्टाइल है, तो ट्राई करते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ कि किस तरीके से बनाना है। ओनली वन रबड़ बैंड की मदद से बना लोगे, वन रबड़ बैंड एंड वन और एंड टू यू पिंस लगेंगे इस हेयर स्टाइल में। तो आपको यहाँ से ईयर से अपने हेयर को लेना है, ओके, यहाँ से हेयर को लेना है ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से लेना है, ओके, और अच्छे से कॉम कर लेना है, और यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देना है, ये वाला, रबड़ बैंड लगाने के बाद से थोड़ा सा फिंगर से इस तरीके से ढीला कर लेना है रबड़ बैंड को। देन इस साइड से पोनी टेल को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है इस तरीके से, जो हमने फिंगर यहाँ से निकाली है, इस फिंगर के अंदर पोनी टेल को ऐसे लेना है, देन खींच लेना है। खींचने के बाद से इसको टाइटली थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है। अभी क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा लेयर लेंगे जो हमारा पोनी टेल है उसी का, और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ऐसे ऊपर से रख के, जैसे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाते हैं उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लेयर साइड से लेके इसके साथ ऐड करते जाएंगे और पूरी चोटी बनाते जाएंगे। न्यू हेयर स्टाइल है, काफ़ी इजीली आप बना लोगे, तो ट्राई ज़रूर कर लेना। और कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। थोड़ा थोड़ा सा इसके साथ ही लेयर ऐड करते जाएंगे पोनी टेल का। सारे हेयर का ब्रेड बनाने के बाद से एंड तक पूरा चोटी बना लेंगे इसकी। एंड तक चोटी बनाने के बाद से अगेन जो हमने यहाँ पे फिंगर इंसर्ट किया था जहाँ से हमने हेयर को पलटा था, वहीं से इस चोटी को भी बाहर की तरफ निकालेंगे। देन पूरे हेयर स्टाइल चोटी को इस तरीके से बाहर की तरफ खींचेंगे। आराम आराम से करिएगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से ला के यहाँ पर आप यू पिन से इसको सिक्योर कर सकते हो। यू पिन ही लगाना पड़ेगा, आप चाहो तो क्लचर भी लगा सकते हो। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यू पिन लगाना है, तो मैंने यहाँ पे यू पिन लगाया है। देन यहाँ पे आप, अगर आपका रबड़ बैंड दिख रहा है तो आप इस तरीके से हेयर से रबड़ बैंड को हाइड करके और यू पिन से इसको सिक्योर कर सकते हो। ये बिल्कुल टाइटली बनता है, बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ता है, एंड आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी बना सकते हो। और मैं यहाँ पे 3-4 यू पिन ऐड कर रही हूँ, एक दो में भी हो जाएगा। मैं इसलिए 3-4 यूज कर रही हूँ ताकि जो लुक है वो फिनिशिंग आए, तो आप भी यूज कर ही लीजिएगा 3-4 यू पिन।
तो ये है बन का फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोग को? ओनली वन रबर बैंड से आप ये बन बना सकते हो और है ना इजी एंड ब्यूटीफुल सा सिंपल सा हेयर स्टाइल है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो साड़ी के साथ, जो भी आप ड्रेस पहन रहे हो। अगर आप घर में हो, कंफर्टेबल लुक चाहते हो, तो आप ये बन ट्राई कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको आज की हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो आई होप एन्जॉय दिस वीडियो एंड इन्जॉय दिस हेयर स्टाइल। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।